आज इस लेक्चर में हम ये तो पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं, पर इन दोनों पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था मीटिंग डेटा को सेव करना, ठीक है। हालांकि हमने उसमें लास्ट में कवर किया था कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो यही दो वो पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, जब डेटा सेव हो रहा है तो मीटिंग डेटा सेव ओनली बिटवीन 9 to 6 PM, जैसा कि आप जानते हैं। मैं अपने व्यू पर लेकर के जाऊं तो यहाँ पर अवेलेबल 9 AM to 6 PM, ठीक है। मतलब जो मिनट्स होंगे वो यहाँ पर डालेगा यूजर, तो वो 9 to 6 PM के अंदर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहला आपको ये टास्क है, ठीक है। एंड देन सेकेंड वन इज चेक इफ 9 AM to 6 PM ऑल शेड्यूल्स आर बिजी और नॉट, ठीक है। हमें यहाँ पर चेक करना है, अगर क्या पता यूजर ने मान के चलिए सारा टाइम बिजी हो गया, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक मैसेज भी शो कराना है कि भाई इस डेट को आपका शेड्यूल जो है बिजी है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट डेट को चूज करें। तो यहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में, जैसे मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था जो कि सौम्या का था, देहरादून लोकेशन रही थी, जिसने 45 मिनट का उसने मीटिंग टाइम रखा था, ठीक है। लाइक मैं एक न्यू डाल देता हूँ यहाँ पर, लाइक मैंने डाल दिया मुंबई, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि संजय नाम का क्लाइंट है मेरा, और उसके साथ मैंने मान के चलिए 100 मिनट की मेरी क्या रहने वाली है, मीटिंग रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 10 डेट को डालता हूँ, और ये भी जो मेरा डेटा है वो 10 डेट का डला हुआ है, देख पा रहे हो यहाँ पर 10/7/2022, ठीक है। और मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो ये मेरा जो है डेटा सबमिट हो जाता है, मीटिंग शेड्यूल विद क्लाइंट सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी यहाँ पर देख पाओगे गाइज, आपको 10 तारीख में जो है यहाँ पर 2 रिकॉर्ड है, ठीक है, और करंट यूजर आईडी आपको 1। तो हमें यहाँ पर कुछ चेक्स लगाने, तो देखिए एक साथ नहीं समझ पाएंगे, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, HTTP कंट्रोलर्स, एंड देन यहाँ पर आपका मीटिंग कंट्रोलर, सॉरी यूजर कंट्रोलर नहीं है। एंड देन हम यहाँ पर अपना एक व्यू और खोल लेते हैं जो कि हमारा है रिसोर्सेज व्यूज एंड होम, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मतलब जो हमारा लॉजिक होगा वो इस कंट्रोलर के अंदर करने वाले हैं, तो ये सिंपल ऐड कर रहा था यहाँ पर, तो ये चेक नहीं कर रहा अभी कोड की 9 to 6 PM होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस लगानी होंगी। सबसे पहले तो हमें क्या कंडीशन लगानी है, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो मल्टीपल यूजर लॉग इन कर सकते हैं, और मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ हैंडलिंग कर सकते हैं मीटिंग को, ठीक है, ऑन डेट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी होगी इस डेटाबेस में से, हमें कैसे कंडीशन लगानी है कि वेयर यूजर आईडी इक्वल इक्वल जो करंट यूजर लॉगिन आईडी है उसको हम उठाएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें मीटिंग टाइम का जो कैलकुलेशन निकालना है ऑन डेट, ठीक है, मतलब डेट के बेस पर कि करंट डेट अगर यहाँ से लाइक मैंने 10 डेट चूज करी तो मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सबसे रिलेटेड मेरा जो मीटिंग टाइम था डेटाबेस में वो सारा कैलकुलेट होकर के मेरे पास है, जिससे कि मैं 9 to 6 PM के अंदर ही मैं उसे कैलकुलेट कर पाऊँ, ठीक है, अंदर या बराबर में, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक्स लगाने होंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मीटिंग मॉडल का यूज करेंगे, मीटिंग कॉलन कॉलन मैं सेलेक्ट करूंगा, किसको सेलेक्ट करूंगा, ओनली मैं मीटिंग टाइम को, मीटिंग टाइम वो भी मेरा क्या होगा, सम में होगा, सम मतलब मैं सारा का सारा सम निकालूंगा। और यहाँ पर हम वेयर कंडीशन भी लगा करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेयर कंडीशन लगा करके चलता हूँ, वेयर यहाँ पर इसे हम गेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वेयर कंडीशन, और सेलेक्ट में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वेयर में मैंने एक एरे पास किया, तो यूजर आईडी इक्वल हो किसके, जो हमारी रिक्वेस्ट से यूजर आईडी आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं मैंने रिक्वेस्ट से सेव मतलब भिजवाई हुई है, आप या तो ऑथ आईडी करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, या आप ऑथ आईडी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वेयर यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी एंड डेट, अब यहाँ से जो यूजर डेट डाला उसके बेस पर हमें सेलेक्ट करना है कि उस डेट पर कितने शेड्यूल्स सिलेक्टेड हैं, मतलब कितने पेंडिंग हैं, कितने रह भी रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डेट इज इक्वल टू जो हमारे रिक्वेस्ट से डेट आ रही है वो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो ये आ रही है हमारी डेट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से डेट निकाल ली, तो अभी क्या करेगा मेरे को गेट करेगा, पर गेट क्या करने वाले हैं, हम सिलेक्ट करने वाले हैं सम निकालने वाले हैं, सम हम किसका निकालने वाले हैं, जो मीटिंग टाइम है, ठीक है। लाइक मैं 4500, देखिए क्या होता है जितना कोड हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करिए, क्या मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहाँ से वेयर करके और मैं सारा का सारा डेटा निकाल लेता, ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पर एक एक करके एरे चलाना होता, सम करना होता, तो इसलिए मैं क्वेरी ही फायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डीबी क्लास का यूज कर लूंगा, डीबी कॉलन कॉलन रो, ठीक है। अभी मेरे को डीबी को ऊपर यूज भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज डीबी, तो डीबी को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, और मैंने बोला डीबी कॉलन कॉलन रो
एंड देन मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ, सम, ठीक है, सम मेरे को किसका चाहिए, मीटिंग टाइम का चाहिए, ठीक है, मीटिंग टाइम का, जो कि मेरा कॉलम है। और मैं एज यहाँ पर एक एलियास, जैसा कि आप जानते हैं फोर ईच लूप में होता है, तो सेम एज इट इज करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक मैंने बना लिया टोटल टाइम, ठीक है, तो टोटल टाइम करके ये आपको गेट करके दे देगा कि भाई इतने उसके मिनट्स हैं, कैलकुलेट करके दे देगा जितने भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मिनट्स करके एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने ये असाइन करा लिया डेटा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा डायंडम कर करके चलेंगे एप्लीकेशन को, जिससे कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो पाए प्रॉपर वे में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मिनट्स के अंदर से मेरे को क्या निकाल लेना है, जो टोटल टाइम आ रहा है, ठीक है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा मिनट्स, और यहाँ पे हमें जैसा कि पता है आपको एक रिकॉर्ड आएगा तो ये जीरो इंडेक्स पर आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से जो मैंने टोटल टाइम एलियास का यूज किया हुआ है, इस वेरिएबल को हम यहाँ पर इसमें पास कर देंगे, जो की है हमारी, ठीक है। तो ये मेरे को ला करके दे देगा कि भाई इतने आपके क्या है यहाँ पर मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 45 और 100, 145 होंगे। तो लाइक मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर किया लखनऊ, और मैंने अभी क्लाइंट का नेम डाल दिया एक्स वाई जेड, जो भी उल्टा सीधा है। फिर मैंने मिनट्स डाली कुछ भी, और मैंने डेट डाल दी 10। तो 10 डेट पर आपको आएगा 145, जो आपका क्या आने वाला है, मिनट्स, ठीक है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये 9 to 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 9 to 6 आपके कितने हावर्स होते हैं, आपके होते हैं 9, मतलब 9 घंटे होते हैं। अब 9 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 60 से, तो आपके मिनट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक डॉलर करेंट यूजर मिनट, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, 9 into 60, या देखिए ये तो हमने स्टैटिकली रख रखा है, और ऑब्वियसली बात है हमारा स्टैटिक रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप डायनेमिक करना चाहते हो तो आप डायनेमिक कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे एक न्यू टेबल में वहां पर रख सकते हो इनकी एंट्रीज, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा जो मेरा मतलब ऑफिस की टाइमिंग है, मतलब सॉरी ऑफिस की क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मेरे मीटिंग की जो टाइमिंग है 9 to 6 में, उतना 9 into 60, तो मेरा हो गया 540 मिनट्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ कंडीशंस लगानी है, सबसे पहले हम लगाएंगे इफ। अब यहाँ पर समझते चलिएगा कि कंडीशंस में क्या लगा रहा हूँ। तो पहले मैंने लगाया इफ मिनट्स टोटल टाइम, जो अभी मेरा टोटल टाइम आ रहा है, अभी मेरा आ रहा है 145, ठीक है। किसी का जीरो भी आएगा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड मिलेगा भी नहीं उस डेट पर, ठीक है। किसी का क्या पता ज्यादा मिले, मतलब टाइम ओवर हो चुका है। तो हम यहाँ पर सभी कंडीशंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो डेटाबेस से टाइम आ रहा है वो इक्वल है या लेस देन, मतलब इक्वल है या ग्रेटर देन है जो हमारा ये जो है करंट यूजर मिनट, ठीक है। मतलब करंट यूजर मिनट, या आप मान के चलिए मीटिंग टाइम मिनट, ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होने वाला है कि अगर आपका डेटाबेस में से जो टाइम है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है करंट यूजर मिनट, मतलब ये 540 के इक्वल हो रहा है या बराबर, मतलब ग्रेटर देन हो रहा है या बराबर हो रहा है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, एक रिटर्न करा देंगे यहाँ से, रेस्पॉन्स बैक करा देंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैंने करा दिया रिटर्न बैक, और मैं यहाँ पर कुछ मैसेज डालूंगा रिटर्न बैक विद, यहाँ से मैं एरर डाल देता हूँ, ठीक है, एरर, और मैं यहाँ पर कुछ मैसेज डालूंगा, ठीक है। ये वाला मैसेज मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर जो मैसेज जाएगा वो क्या जाने वाला है आपका गाइस, वो जाएगा आपका ऑन दिस डेट, ठीक है। अब डेट कहाँ से आएगी, जैसा कि आप जानते हैं ये रिक्वेस्ट डेट आ रही है, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको गेट कर लेंगे डेट को, यहाँ पर हम कंकेटिनेट कर देते हैं। एंड देन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ऑन दिस डेट ऑल शेड्यूल्स आर बिजी, ठीक है। और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैसेज और डाल सकते हो कि प्लीज सेलेक्ट अनदर डेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये भी डाल दिया, प्लीज सेलेक्ट अनदर डेट, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, मतलब एक केस तो आपका कंप्लीट हो चुका है कि अगर 9 to 6 से रिलेटेड जो भी मिनट्स हैं आपकी कैलकुलेट हुई हैं उससे ज्यादा या इक्वल होता है टाइम, तो क्या होगा, यहाँ पर हम बता देंगे कि ऑल शेड्यूल्स आर बिजी ऑन दिस डेट, ठीक है। एंड एल्स इफ में आएंगे हम, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक एल्स और लगा लेंगे। एल्स में क्या होगा, एल्स में हमारा जो है, एल्स को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, यहाँ पर इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, और एल्स को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, और इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। तो एल्स में तो ये पार्ट चलेगा कि मीटिंग आपकी ऐड हो जाएगी, और एल्स इफ में क्या होने वाला है कि मान के चलिए गाइज आपके पास, मान के चलिए
जब यूजर आया ठीक है, और मान के चलिए आपके पास क्या है 145 हो रहा है इनका कैलकुलेशन ठीक है। अब यूजर ने क्या किया, इसकी यहाँ पर जो मिनट डाली वो 500 डाली, तो ऑब्वियसली बात है यार मेरी 96 में आ रही थी 540 मिनट, पर यहाँ पर यूजर ने क्या कर दिया 500 मिनट डाल दी ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर चेक करना होगा जो मेरा सम आ रहा है ठीक है, जो सम आ रहा है, और उसको मेरे को बताना होगा कि भाई इतनी मिनट्स बची हैं, आप इतने मिनट्स के अंदर आप डाल सकते हो, मतलब आप अपने क्लाइंट के साथ इतनी मिनट्स के अंदर आप बुकिंग कर सकते हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग, या आप इतने मिनट डाल सकते हो ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक लगाना होगा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम डॉलर मिनट्स जो हमारा करंट टाइम आ रहा है ठीक है, मतलब जो डेटाबेस से आ रहा है हमारा सॉरी टाइम कैलकुलेट होकर, हमें यहाँ पर चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन होता है पर हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, प्लस हमें किसको करना होगा, जो हमारा ये यहाँ से जो टाइम आ रहा है इसको हमें प्लस करना होगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस डॉलर रिक्वेस्ट टाइम को यहाँ से इसके साथ प्लस कर देते हैं ठीक है, मतलब हमारा डेटाबेस से जो टाइम आ रहा है प्लस जो हमारा फॉर्म से जो टाइम आ रहा है ठीक है, मतलब ये क्या होगा, दोनों ऐड हो करके ये बन जाएगा ग्रेटर। तो ग्रेटर बन जाएगा किससे, जो आपका करंट यूजर मिनट है ठीक है, उससे अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक मैसेज और डाल देंगे उस यूजर को। क्या मैसेज डालेंगे, तो हमें यहाँ पर डालना होगा कि एरर जाएगी बेसिकली, और यहाँ पर हम बोल देंगे ऑन दिस डेट यू हैव ओनली, और यहाँ पर यू हैव ओनली के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर हम बता देंगे कि भाई तेरे पास इतनी मिनट बची हैं कि आप इतने मिनट्स तक के लिए बुकिंग कर सकते हो, मतलब मान के चलिए यूजर ने इतनी मिनट्स डाल दिए हैं, और हालांकि हमारे पास कुछ कम मिनट्स बची हैं और यूजर ने काफी ज्यादा मिनट्स डाल दिए हैं, तो हम बताएंगे भाई इतनी मिनट्स होती हैं 9 to 6 के बीच में, और कुछ शेड्यूल्स बिजी हो चुके हैं हमारे, तो अब आपके पास इतनी मिनट्स बचती हैं, तो आप इतनी मिनट्स के अंदर बुकिंग करिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो मिनट्स निकाल लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये है करंट यूजर मिनट जो कि हमारा 540 आ रहा है ठीक है, तो हम क्या करेंगे करंट यूजर मिनट में से माइनस कर देंगे, कितने को माइनस कर देंगे, जो हमारा डेटाबेस से आ रहा है, तो हम बता देंगे कि भाई इतनी मिनट्स तेरे पास बचती हैं, हम डेटाबेस को माइनस करके जो हमारे पास बच रही हैं ठीक है। तो 540 माइनस 145 जो आपका कैलकुलेट होकर के आएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया करंट करंट मिनट्स ठीक है, तो करंट मिनट्स ये मैंने बता दिया उसको कि भाई तेरे पास इतनी मिनट बची हैं, इस इनके बीच में आप बुकिंग कर सकते हो ठीक है। तो ये मैंने इतना काम कर दिया, यू हैव ओनली, और मैं यहाँ पर कंकेटिनेट कर देता हूँ डे मिनट्स ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अभी गाइस क्या है, हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हैं सारे पॉइंट्स को। अभी क्या है, यहाँ पर 145 मिनट्स होती हैं आपकी ठीक है। अब मान के चलिए यूजर ने क्या किया, लाइक कोई यूजर है नया, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज, चंडीगढ़ का है कोई यूजर ठीक है, मतलब क्लाइंट है मेरा, और उसका नाम है संजय ठीक है, और संजय नहीं कुछ और रख लेते हैं ठीक है, शायद मैंने संजय रखा हुआ है, इसका नेम रखा हुआ है ठीक है, संजू कर लेता हूँ ठीक है। और इसकी जो है मिनट्स डाली मैंने समथिंग 100 डाली ठीक है, या मैं 120 मिनट डाल देता हूँ ठीक है, मतलब उसके पास 2 घंटे की मेरी हो गई, 10 10 डेट को मैं डाल रहा हूँ ठीक है, सबमिट हो रही है। अभी क्या है आपकी एल्स वाली चल रही है, क्योंकि उसको पता चला कि भाई यहाँ पर अभी मेरे पास मिनट्स थी, और यहाँ पर जो यूजर ने डाला मिनट्स वो उसके दायरे में ही थी, मतलब मेरे पास सही तरीके से डेटा इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पर आ चुका है, तो 145 और 120 यहाँ पर आ चुका है, तो इतना आपके पास ये हो चुका है ठीक है एंट्री। पर बाय द वे मान के चलिए मैं 10 डेट को ही करता हूँ, पर मैं ज्यादा मिनट्स डाल देता हूँ ठीक है, लाइक मान के चलिए अब मैं करता हूँ पुणे ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाला अक्षय अच्छे लोले ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 200 मिनट, मैं मतलब उसके साथ इतने मिनट्स की मीटिंग रखूंगा ठीक है, और 10 डेट को ही करता हूँ ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैसेज आएगा वो मेरे को यहाँ पर शो भी कराना, तो अभी मैंने शो तो कराया ही नहीं है, मेरे को यहाँ पर जाना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एरर तो मैसेज डाल दिया विद एरर, पर मेरे को यहाँ पर शो कराना होगा अपने व्यू के पास, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा कहाँ पर मैंने शो कराया हुआ है ये रहा ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जब मेरे पास एरर आती है तो यहाँ पर हम शो कराएंगे, वरना आपको मैसेज शो नहीं होगा, और इसको हम कर देते हैं रेड कलर का ठीक है, क्योंकि ये वार्निंग टाइप का होगा, और मैंने यहाँ पर एरर को प्रिंट करा दिया ठीक है। मैं अगेन करता हूँ, पुणे का है यूजर,
एंड देन अक्षय लोले, बेसिकली इसका नेम ही है, मेरा एक फ्रेंड है, अजीब और गरीब नेम है उसका, ठीक है। एंड 200, और मैंने 10 डेट को ही की और मैंने यहाँ से सबमिट किया, ठीक है। तो अभी ये क्या बोलता है, मीटिंग शेड्यूल विद क्लाइंट सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। 200 हो चुका है, मतलब आई थिंक हमारा अभी 540 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 200, 300, 400 और आई थिंक अब आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम का कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी यहाँ पर अगेन करेंगे हम, लाइक मैंने मेरठ का किया और इसका नेम है, लाइक नेम भी मैं क्या चूज करूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, कुलदीप कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मिनट मैंने रखी 200 और फिर मैंने 10 को ही किया, तो मैंने सबमिट किया। तो यहाँ पर बोला है ऑन दिस डेट यू हैव ओनली 75 मिनट्स, मतलब उसने बता दिया कि भाई आपको इस डेट के लिए जो रिमेनिंग टाइम रह गया वो आपका 75 मिनट्स रह गया है। अब आप इस डेट को ज़्यादा टाइम की बुकिंग नहीं कर सकते, आपके पास 75 का बुकिंग है तो आप कर सकते हो। अब लाइक मान के चलिए ये आपकी कौन सी कंडीशन चली, ये आपकी चली कंट्रोलर की, आपकी एल्स वाली तो चली चुकी है, ठीक है, और आपकी ये वाली चल चुकी है एल्स इफ वाली, ठीक है, क्योंकि उसको पता चला कि जो मेरा टाइम आ रहा डेटाबेस से और प्लस रिक्वेस्ट टाइम, तो उसने ज़्यादा हो गया करंट यूजर मिनट से, ठीक है। तो उसने क्या किया, करंट यूजर मिनट से जो डेटाबेस का टाइमिंग था उसको माइनस करके उसको हमने बता दिया कि भाई ये इतनी तुम्हारे पास मिनट्स बचती हैं। अब मान के चलिए दीक्षा नाम की एक मतलब क्लाइंट है मेरी, सॉरी दीक्षा नेम इधर डालना है, बेसिकली मैंने वहां पर डाल दिया है। इसका मेरा है आगरा में सेटअप, मतलब मीटिंग का, और दीक्षा है, और मैंने यहाँ पर डाला 75 मिनट। देखिए मेरे पास अभी 75 मिनट बची हैं और मैंने ये सारी बुकिंग कर दी है, ठीक है, मतलब 9 to 6, और मेरा 10 डेट को सारी बुकिंग सेट हो चुकी है। तो अब मैं अगर बुकिंग करूंगा, देखिए अभी मीटिंग ऐड हो चुकी है क्योंकि 75 मिनट डाली थी। अब मैं एक और नई बुकिंग डालता हूँ, लाइक कानपुर, ठीक है, और मैंने डाल दी इसके राहुल के साथ, ठीक है, मीटिंग। और अब मैं 1 मिनट भी डालता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, मैं इसके साथ 1 मिनट की मीटिंग करना चाहता हूँ ऑन 10 डेट, तो क्या मेरे को ये मैसेज देगा कि भाई ऑल शेड्यूल्स आर बिजी। तो अभी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर बोलता है ऑन दिस डेट ऑल शेड्यूल्स आर बिजी, प्लीज सिलेक्ट अनदर डेट। तो ये आपका परफेक्ट वे में चल रहा है, मतलब हमने यहाँ पर सारे क्राइटेरिया को पार कर लिया है कि आपका अगर 9 to 6 के बीच में बुकिंग एक्सेप्ट होती है, मतलब शेड्यूल्स भर चुके हैं, तो आपको ये बता देगा। अगर कुछ शेड्यूल्स भर चुके हैं और आपका रिमेनिंग टाइम रहता है और यूजर जो है ज्यादा टाइम डाल देता है, तो आपको बता देगा कि भाई इतने मिनट्स आपके पास रह चुके हैं, आप इतने मिनट्स के अंदर किसी के साथ मीटिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अनदर डेट को सिलेक्ट करिए, और या तो आपकी जो मीटिंग के साथ बुकिंग है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, आपके डेटाबेस में चली जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, हमारे पास इतनी एंट्रीज आ चुकी हैं, ठीक है, मतलब ये हमारे 540 का क्राइटेरिया इन्होंने पास कर लिया 9 to 6 ऑन 10 डेट, ठीक है। अब जो है यूजर चाहे तो न्यू डेट को कर सकता है, मतलब अगली डेट को चाहे बुकिंग, लाइक मैंने की अगेन कहाँ पर की, दुबई में, ठीक है, दुबई नहीं, बेसिकली मैं इंडिया में ही कर सकता हूँ, बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर में मैंने की, और मैंने की किसी क्लाइंट के साथ, लाइक समथिंग सैनी, ठीक है, और मैं 10 मिनट को करता हूँ उसके साथ, और मैंने इसको रखा अपॉइंटमेंट 11 को, ठीक है, अभी ये बुकिंग हो जानी चाहिए, ठीक है, हो चुकी है। तो आई थिंक आपको जो है मेरे सारे लॉजिक समझ में आए होंगे। ये इस लेक्चर इसलिए ही बनाया था कि आपको लास्ट लेक्चर में बता नहीं पाया था क्योंकि वो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट में कवर अप किए हैं। एंड द नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इनको हम शो कराएंगे और थोड़ा हम उनमें और लॉजिक्स देखने वाले हैं।